हेलो गाइज, मैं अंकुर, आप सभी का अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम जानेंगे यथार्थ आईपीओ के बारे में। यहां पे गाइज इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है आज, तो अलॉटमेंट कब तक आएगा, कहां आएगा, कैसे चेक करना है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। साथ में टाइम क्या देखने को मिलेगा और बड़ी ही आसानी तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर जो आपने वीडियो देखी। तो यहां पे गाइज इसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि हमें डाउन होता हुआ दिखाया है, तो उसके कम होने का रीजन क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता हुआ दिख रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी बेहतर अपडेट आपको हमेशा मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पे गाइस डेट्स आपको सब कुछ क्लियर है। अब इसका है आज अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट 7th को रहने वाली है। ₹300 पर इक्विटी शेयर पे आपको अलॉट होगा शेयर। अगर जो अलॉटमेंट मिलता है आपको रिटेलर्स कैटेगरी में तो 50 शेयर मिलने वाला है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपने कितना लॉट अप्लाई किया और कितनी आईडी से, ठीक है। यहाँ पे गाइस रिटेलर्स के लिए 35% कोटा रखा गया है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो लिंक्डइन टाइम देखने को मिल रहा है। और एप्पल सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 7.82 समथिंग हुआ था, यानी किसी 8 में से 1 को मिलना है इस आईपीओ में अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो लिंक्डइन टाइम है, जिसको मैं और कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी लेट इन टाइम कहते हैं, क्योंकि इनका आईपीओ का अलॉटमेंट देने कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ये कभी भी दे देते हैं। आज दे दें, कल दे दें, टाइम आज का है पर ये कल भी दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे भी दे देते हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए वो 7 से 8 बजे के बाद इनको आईपीओ दे देना चाहिए, ठीक है, बट ये देते नहीं है। तो आपको आईपीओ जो है वो चेक करना है अलॉटमेंट 8 बजे के बाद, और कहाँ चेक करना है, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे। सो यहाँ पे गाइज आप बार बार जाके अलॉटमेंट चेक करो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे, ठीक है, आया नहीं आया, आया नहीं आया। इससे आसान तरीका है कि आप फटाफट टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाओ, जहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। देख लो यहाँ पे 245 पॉइंट का आज के दिन बैंक निफ्टी में जैकपॉट, 175 पॉइंट का दूसरे कॉल में जैकपॉट, 2 कॉल जबकि मैं लेट उठा थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से, वरना यहाँ पे 4 से 5 कॉल भी बनती दिखती। और गाइज ऑडियो के सपोर्ट के साथ साथ यहाँ देख लो कल के दिन भी करीब 4 कॉल बुक करवाया, एक में 200 पॉइंट, एक में 120 पॉइंट और 50 पॉइंट की 2 अलग से कॉल भी। तो यहाँ पे गाइज आपको डेली ऐसे जैकपॉट कॉल देखने को मिलती है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन देख लो यहाँ पे, इंट्राडे कॉल, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल कॉल के रीजंस और बहुत सारा कुछ सीखने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। और गाइस अगर जो आप लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप 16.2 के सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को जाके फाइंड भी कर सकते हो शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से, बस इसी चैनल से जुड़ना, दूसरे जो भी चैनल है फेक है प्लीज उनसे बच के रहना, ठीक है। तो जैसे ही लिंक आएगा आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। और देख लो न्यूज चैनल यहाँ पे श्री टेक्सटेक आईपीओ अलॉटमेंट आ चुका है, और जैसे आया हमने सबसे पहले शेयर कर दिया था, तो ठीक है इसी तरीके से आपको लिंक शेयर कर देंगे। साथ में अगर जो आपको नहीं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस खुलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, ये लिंक्डइन टाइप का वेबसाइट है जहां पे आपको आईपीओ का नाम पता चलेगा। तो यहां पे आपने क्लिक किया सेलेक्ट कंपनी पे, सेलेक्ट कंपनी पे जाने के बाद आपको इस तरह से नाम खुल के आ जाएगा, जहां पे यथार्थ का नाम भी खुल के आ जाएगा। यहां पे आपने क्लिक किया उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना यथार्थ का नाम, अभी तो फिलहाल यथार्थ का आया नहीं इसलिए नाम नहीं दिख रहा है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको इस तरीके का यथार्थ का नाम देने को मिल जाएगा। पैन कार्ड पे ऑलरेडी क्लिक नहीं है तो क्लिक कर लेना, पैन कार्ड डाउनलोड सबमिट कर देना, सिक्योरिटी अप्लाइड के सामने 50, 100 जितना भी आपने लॉट अप्लाई किया होगा जो है वो बताएगा जितना आपने अप्लाई किया है। सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने अगर जो 0 है तो आपको आईपीओ नहीं मिला, अगर 0 नहीं है तो आपको समझो आईपीओ मिल गया। आईपीओ चेक करने का समय शाम को 7-8 बजे के बाद ही है, ये चीज का आप ध्यान देना। अब यहाँ पे गाइस बात करें इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो हमें डाउन होता हुआ दिखा था, 100 तक ज्यादा दिखा भी 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर से डाउन होता हुआ दिखा है और अभी 75 से 80 रुपए की डिमांड निकलती दिख रही है, ठीक है। तो 75-80 के हिसाब से देखो तो आपको एक लॉट में करीब 4K का गेन यानी कि 4000 गेन मिलता है, और ये करीब 26-27% होगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम का रीजन यही है कि कई सारे आईपीओ का आना, ठीक है, एक आईपीओ और कंफर्म हो चुका है उसकी न्यूज मैं आपको दे दूंगा अगस्त में। उसके साथ ही यहाँ पे अलॉटमेंट का क्लियर अभी तक ना होना, अगर जो अलॉटमेंट क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे ग्रे मार्केट में फिर से एक पुश आ सकता है और ग्रे मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अलॉटमेंट क्लियर होता है तो लोग पता चलता है किससे बाई कर रहा है किससे खरीद रहा है, अलॉटमेंट के पहले ये जो ग्रे मार्केट में डिमांड निकलती है ये क्लियर नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे कई बार आईपीओ में आपने देखा भी होगा कि डिमांड गिर जाती है, आईपीओ अलॉटमेंट आते ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी मोटी लिस्टिंग की उम्मीद तो कर ही सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जैसा भी होगा आपको लिस्टिंग के एक दिन पहले मैं बताने वाला हूँ लिस्टिंग कहाँ होगी, क्या है, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके इस आईपीओ में, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, मिलते अगली वीडियो में, करते वीडियो के अंत तक वाचिंग स्पेशल लिस्ट वाली एंड बाय फॉर नाउ।